केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि करने और आयात पर निर्भरता में कमी लाने के लिए कई कदम उठाने के निर्णय लिए हैं। आज नई दिल्ली में मीडिया को ये जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पाम ऑयल के आयात में कमी लाने के लिए प्रमुख निर्णय लिए और खाद्य तेल पाम ऑयल राष्ट्रीय मिशन के कार्यान्वयन को अनुमति दी। इस मिशन को केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा। आज की बैठक में एडिबल ऑयल के लिए आयात पर निर्भरता के चलते एडिबल ऑयल को घरेलू उत्पादन बढ़ाना जरूरी है, इसलिए निर्णय किया गया है कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम के नाम से, इसको NMEO OP इसके नाम से आप जान सकते हैं, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम, ताकि निर्भरता हमारी आयात पर कम हो, स्थानीय उत्पादन ज़्यादा हो, तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम पर कुल मिलाकर 11,040 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया जाएगा। ऑयल सीड ऑयल पाम का क्षेत्र और उत्पादकता बढ़ाने पर फोकस होगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि इस निर्णय से खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्य हैं, इन राज्यों में देखें तो 9 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि ऐसी है जो पाम ऑयल की खेती के लिए अनुकूल है। पिछले दिनों भी पाम ऑयल पर काम हो रहा था और अनेक किसान उससे जुड़े थे। लगभग 12 ऐसे राज्य हैं किसी न किसी रूप में पाम ऑयल की खेती में काम कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र खाद्य तेलों के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहा है।